इंडिया के वक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर के अंदर तफसील से आपको वीडियो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वहां पर मुफ्ती साहब एमएलए बन चुके हैं, पर कितने वोट से बने? 162 वोट से उनको घोषित कर दिया गया है। रात को 9:30 बजे तक जद्दोजहद में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आखिर में उनको 5:30 बजे तो 77 का 78 वोट से उनको घोषित कर दिया गया था कि जीतकर आ गए मुफ्ती साहब। पर बाद में वापिस रिकाउंटिंग करी गई। वोटिंग आगे पीछे करने के बाद में उनको 162 वोट से उनको चुनकर दे दिया गया और चुनकर आ गए वहां पर। मैंने तफसील से वीडियो बनाया कि उनकी जीतने के बाद में भी वो हार चुके हैं और उनको एहसास होना चाहिए इस बात का कि मालेगांव की आवाम कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। इस बात का संकेत इसी बात से कि आने वाला भविष्य के अंदर अगर मुफ्ती साहब को अपना नाम रखना है वहां पर, एमआईएम पार्टी से वहां पर वापिस चुन के आना है, तो उनको दो चेहरे उनको आगे करना पड़ेंगे। दोनों चेहरों के नाम बता रहा हूँ। एक पहले का जो नाम है डॉक्टर खालिद साहब, पढ़े लिखे बंदा है। उसके बाद में नाम आता है मलिक साहब का। दोनों भी फायर नेता है वहां के, और मुझे लगता है जो भी मुफ्ती साहब को वोटिंग मिली है ये दोनों की वजह से वोटिंग मिली है वहां पर। मुझे ऐसा अपेक्षा नहीं है, कन्फर्म बोल रहा हूँ आपको। दोनों का जो भाषण मैंने सुना, बोलने का अंदाज सुना, आने वाले भविष्य के हो सकता है कि एमएलए बन जाइए या फिर मुफ्ती साहब को अगर अपनी तबीयत भी खराब है तो उनको इस्तीफा देकर दोनों को किसी ना किसी सीट पर बैठाना चाहिए। मेरा बोलने का अंदाज यही है। खैर, शेख आसिफ साहब वहां पर इलेक्शन हार गए। आखिर में उनको टोटल वोटिंग कितनी मिली? नई पार्टी थी, नया चेहरा था, अपक्ष नहीं था, खुद की पार्टी बनाकर लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम। उमदा उन्होंने वहां पर टक्कर दी आसिफ साहब ने मुफ्ती साहब को। उनको जो टोटल वोट मिली 1,09,491 वोट शेख आसिफ साहब को मिली, और बहुत कम मार्जिन 162 वोट से वहां पे हार गए। चार पार्टी वहां पर लगातार हार रही थी। वहां पे सबसे बड़ी जो पार्टी थी जिसने कम से कम 10 से 15 साल वहां पे कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की वहां पर, वो पार्टी को कितने वोट मिले वो भी आपको इसी वीडियो बताने की कोशिश करूंगा। शाने हिंद निहाल अहमद की बेटी है, उनको जो वोट मिली थी बहुत कम मार्जिन से वहां पे, मतलब बहुत पीछे रह चुके वोटिंग के बारे में, और बहुत कम वोट उनको मिली। ये वोट अगर आसिफ शेख को मिल जाती तो वहां पे कहीं ना कहीं एमएलए बन सकते थे वो, पर उनको जो मिली वोटिंग वो है 9,624 वोट सिर्फ मिले इनको। कहा 1 लाख की लीड हो रही है, कहा 1.5 लाख की लीड हो रही है, और वहां पर निहाल अहमद साहब ने बहुत भारी भारी काम किया है। उनकी लड़की को इतने वोट मिलना समाजवादी पार्टी से, इसका मतलब मालेगांव के आवाम समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करती है। शाने हिंद मैडम को समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी मालेगांव के लिए सही नहीं है। ठीक है, उनको वोटिंग इतनी मिली। अब आते हैं सबसे बड़ी जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, पूरे हिंदुस्तान में उनके सीट लड़ाई जाती है, और सबसे बड़ी विपक्ष जो पार्टी है, विरोधी पक्ष नेता जिसको बोला जाता है, वो है कांग्रेस पार्टी के नेता लोग, और वो मालेगांव शहर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक चार नंबर पे चले गई। उसकी वजह है एजाज बेग का जो पर्चा करने का अंदाज जो था कहीं ना कहीं लूज कॉन्टेक्ट वाला था, कभी बंद कभी चालू कभी ऑफ कभी ऑन, ऐसी बातें चल रही थी। एजाज बेग के बारे में मैंने पहले भी हमारे बंदे ने इंटरव्यू जब लिया था, बहुत अच्छा उनके नगर सेवक के अंदर जो काम करने का तरीका जो था वो बहुत अच्छा था। आसिफ वहां के जो हमारे पत्रकार है संपादक इंडिया के वक्त, उन्होंने वहां से इंटरव्यू लिया था, इस चैनल को अपलोड भी किया मैंने, कौन मेरा नेक्स्ट एमएलए ऐसा बोलता मैंने वहां पर डाला था। पर एजाज बेग इतने पीछे रहेंगे किसी को भी उम्मीद नहीं थी इस बात की। एजाज बेग को वोट कितने मिलेंगे पहले सोचिए आप, 7,527 वोट इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट है, और मुसलमान इतने वहां पर कांग्रेस को चाहने वाले, पंजे को चाहने वाले कि आप बोल भी नहीं सकते, पर वो पूरे के पूरी वोटिंग आसिफ शेख को ही मिली। अगर ये टिकट अगर आसिफ शेख को मिलती तो कहीं ना कहीं एमएलए आज आसिफ शेख होते वहां पर। और मुफ्ती साहब के दो बंदे जो बताया आपको मैं, ये दो बंदे मुफ्ती साहब को वापस सीट पर लाकर बैठा दिए, और यही बंदे आने वाले भविष्य रहेगा एमआईएम पार्टी का, और लेके जाने का मुफ्ती साहब की वंश को आगे लेके जाने का जो काम करेंगे ये दो बंदे ही करेंगे आने वाले 5 वर्षों को। अगर ये मेरी रिपोर्ट आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।